बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है ना। चलिए, तो 12वीं क्लास की कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं उसका तीसरा पार्ट आज आपको दे रहे हैं और वीडियो को इसमें बिल्कुल एक एक चीज। सबसे पहले गाइस, संकुल के दो घटक सेंट्रल मेटल एंड लीगेंड, दोनों में लीगेंड ज्यादा कॉम्प्लिकेट है, तो हम समझाते आज लीगेंड के बारे में। जो लीगेंड है या संलग्नी है, इसके दो प्रमुख गुण हैं, दंतुकता और आवेश, डेंटिसिटी एंड चार्ज। संलग्नी के आवेश और दंतुकता को इस वीडियो में देख पाएंगे आप। इस वीडियो में आक्सीकरण संख्या निकालना सिखाएंगे। इस वीडियो में हम उपसह संयोजी संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। दोस्तों, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों को मिला के बनता है प्रभावी परमाणु संख्या, उसको भी वीडियो के लास्ट में हम समझाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए और वेलकम टू राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लास। गाइस, संलग्नी का आवेश जो कि ऑक्सीकरण संख्या में काम आता है, और संलग्नी की दंतुकता जो कि उपसह संयोजी संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर में काम आता है। सबसे पहले हम देखते हैं, बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। क्लोरो, ये हमारा क्लोरो है और क्लोरो पे हम जानते हैं कि एक नॉन बॉन्डिंग पेयर होता है। वैसे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है लेकिन देने के लिए है नॉन बॉन्डिंग पेयर, तो इसका हम आवेश कितना मानेंगे? इसका आवेश है -1। इसकी दंतुकता कितनी है? इसकी दंतुकता है 1। क्लोरो के बाद हम दूसरा कोई इंपॉर्टेंट, जैसे साइनो, देखिएगा साइनो पर एक माइनस चार्ज है मतलब कार्बन पर एक माइनस चार्ज, वो कहेंगे नॉन बॉन्डिंग पेयर है। साइनो का चार्ज जोड़ा जाएगा -1, इसकी दंतुकता 1। इसी का एक और साथी है, इसी का जुड़वा भाई कह सकते हैं आप, इसका साथी है आइसोसाइनो। अंतर कितना रहता है? इसमें कार्बन लोन पेयर देता है केंद्रीय धातु को, इसमें नाइट्रोजन देता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रहते हैं। इसका नाम है आइसोसाइनो। चार्ज कितना है? -1। दंतुकता कितनी है? 1। आगे बढ़े हम तो आगे हम समझाएंगे आपको OH-। दंतुकता जितने लोन पेयर वो दे सकता है केंद्रीय धातु को। दंतुकता होती है संलग्नी द्वारा कितने जोड़े केंद्रीय धातु को दिए जा रहे, उसको हम डेंटिसिटी बोलते हैं। हाइड्रोक्सो कितना चार्ज है? -1। कितनी दंतुकता है? 1। नाइट्रेट NO3-, नाइट्रेट बोलते हैं यहां पे, इसका नाम है नाइट्रेटो। एक्चुअली दोस्तों, संलग्नी का IUPAC नाम जब लिखते हैं तो लास्ट का ई हटा के ओ कर देते हैं। जैसे देखिएगा क्लोरो, अब इसका सही नाम क्या है? सही नाम है क्लोराइड। तो हमने क्या सुधार किया है IUPAC नाम बनाने के लिए? इसका ID हटा दिया है और इसमें क्या प्लस कर दिया है? O प्लस कर दिया है, क्लोरो। थायोसाइनेटो, दो एक जैसे इसमें भी है, ये भी दोनों भाई भाई हैं, आइसोथायोसाइनेटो। इसमें चार्ज किस पर है? नाइट्रोजन पर। इसमें चार्ज किस पर है? सल्फर पर, मतलब लोन पेयर। ये देखिए एक नॉन बॉन्डिंग पेयर, थायोसाइनेटो। नीचे वाले का नाम क्या है? आइसोथायोसाइनेटो। एक दोनों का चार्ज कितना होगा? -1। और डेंटिसिटी कितनी होगी? 1।
इस प्रकार के लिगेंड रहते हैं नेगेटिव चार्ज वाले। हम कुछ न्यूट्रल लिगेंड के एग्जांपल देंगे आपको, बहुत ही इंटरेस्टेड है वो भी। सबसे पहले आता है 15 वर्ग का हाइड्राइड जिसको हम अमोनिया बोलते थे, लेकिन यहां पर इसका नाम है बदल गया है नाम एमीन। अमोनिया का नाम एमीन है। इसका चार्ज कितना है? 0। डेंटिसिटी कितनी है? 1। इसकी दंतुकता 1 है। 1 जोड़ा ये दे सकता है किसको? सेंट्रल मेटल को। हम सेकंड नंबर पे चलते हैं H2O। अब H2O के पास पेयर तो होते हैं लेकिन देता 1 है, तो इसका मोनोडेंटेड है एक्वा। यहां पर चार्ज 0 रहेगा और डेंटिसिटी कितनी रहेगी? 1। हम चलते हैं C5H5N। इसका नाम है प्रीडीन। जो प्रीडीन है एक ऑर्गेनिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसका चार्ज 0 है, डेंटिसिटी कितनी है? 1। एक इक्लोन पेयर दे रहे हैं, नाइट्रोजन पर एक पेयर होता है, तो यहां पे क्या सुधार अपन को करना है? यहां पे देखिएगा एक और हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एथिलीन डाइएमीन। देखिएगा इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? EN, लेकिन इसका पूरा नाम है एथिलीन डाइएमीन, तो वही नाम लिखेंगे जो इसका नाम है, एथिलीन डाइएमीन। इसका चार्ज हमेशा 0, जितने उदासीन सल लगनी है कई सबका चार्ज 0 रहता है। डेंटिसिटी कितनी है इसकी? दंतुकता कितनी है? 2। बाइडेंटेड है ये, ये 2 लोन पेयर दे सकता है, एक इस नाइट्रोजन पर एक दूसरे नाइट्रोजन पर। एक और स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम आपको बना रहे हैं, इसको भी आप पहचान सकते हैं। बेंजीन जैसा रिंग रहता है इसका, लेकिन बेंजीन नहीं है वो। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बना दिया, इसमें एक नाइट्रोजन रहता है, ये नाइट्रोजन बना दिया ये, इसको यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, यहां पाई बॉन्ड लगा सकते हैं। ये देखिएगा हम जानते हैं कि 2 नाइट्रोजन होंगे और 2 नाइट्रोजन होंगे तो 2 पेयर होंगे गाइस, तो इसका नाम क्या है? डाइपिरिडीन। इसका नाम है डाइपिरिडीन। चार्ज हम जैसा बता रहे हैं कि 0 होगा, मगर डेंटिसिटी कितनी होगी इसकी? 2। बाइडेंटेड होगा, तो ये बाइडेंटिस लगनी आप समझ रहे थे यहां पर। और सल्फेटो SO4-2 लगे हुए हैं, तो आप समझ जाएंगे इस पर 2 पेयर है नॉन बॉन्डिंग। नाम इसका क्या है? इसका नाम है सल्फेटो। तो सल्फेटो है तो चार्ज कितना होगा इस पर? -2। दंतुकता कितनी होगी? 2। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतनी तो डेंटिसिटी उसकी पक्की है। अभी देखिए कार्बोनेट, कार्बोनेट इसका सामान्य नाम है, यहां पे कर देंगे कार्बोनेटो। कितना चार्ज? -2। कितनी दंतुकता रहेगी? 2। आगे हम बढ़ते हैं फास्फेटो। पिछले वीडियो में भी इसको हम दिखा चुके हैं, तो यदि संलग्नी का के बारे में और जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को सर्च कर लीजिए प्लीज। फास्फेट सामान्य नाम है, लेकिन यहां पे ई हट के ओ हो जाएगा फास्फेटो। चार्ज है -3 और दंतुकता भी कितनी है इसकी? 3। ट्राइडेंटेड है ये, 3 पेयर दे सकता है सेंट्रल मेटल को। गाइस क्लियर है बिल्कुल? ये 3 नेगेटिव चार्ज है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट संलग्नी है एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। बड़ा इंटरेस्टेड है भैया, इसको गाइस बहुत ध्यान से पढ़ेगा। एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, इतना बड़ा नाम है इसका। अब आइए, इसका बड़ा नाम है लेकिन संरचना हम इतने सिंपल तरीके समझाते आपको कि एकदम क्लियर हो जाएगा। EDTA शॉर्ट फॉर्म है, सब कुछ पता रहे चल जाएगा आपको। ये गाइस एथिलीन का फॉर्मूला है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम ब्रेक कर दे रहे हैं, लेकिन 11वीं में आपने पढ़ा होगा एथिलीन।
पहला एल्कीन का मेंबर है, ये हम बॉन्ड तोड़ दे रहे हैं, इधर पे जोड़ रहे हैं NH2, ये जोड़ दिया। ये स्ट्रक्चर तो हमने कहीं देखा है, ये देखिए, ये तो एथिलीन डाइएमीन है ना, तो एथिलीन डाइएमीन है तो उसी का बड़ा रूप है, नाम भी तो जुड़ा है एथिलीन डाइन, टेट्रा एसीटेटो कैसे आ गया गाइस? करना क्या है आपको, देखिएगा ध्यान से, यहां से 2H हटा देना है, ये हटा दिए और यहां पे एसीटेट कनेक्ट कर देना है। एसीटेट का फॉर्मूला क्या है, CH3CO-, तो CH3 का एक H कम हो जाएगा क्योंकि इससे कनेक्ट होगा, CH2CO-, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन डाइएसीटेटो। अब कोई इसकी दंतुकता बता सकते हैं? इसकी दंतुकता लोन पेयर पे डिपेंड है, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, चार, ये चार दंतुक है, टेट्राडेंटेड है। यहां से यहां भी कर रहे हैं हम, इसके 2H यहां से हटा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, CH2CO-, CH2CO-, यहां पर भी एक एक पेयर आ गया है, देखिएगा। तो अब इसके स्ट्रक्चर पर कुल कितने पेयर हो गए आप खुद ही देखिएगा, खुद ही इसका चार्ज बताएंगे आप कमेंट्स बॉक्स में। माइनस कितना आ गया, -1, -2, -3, -4 चार्ज हो गया -4। लेकिन इसकी डेंटिसिटी बता सकता है कोई, कितने लोन पेयर दे सकता है पता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबसे बड़ा लिगेंड है, टेट्राडेंटेड लिगेंड, EDTA नाम इसका बहुत फेमस है, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। सबसे पहले अपन जानते हैं ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है। देखो दोस्तों, संकुल जब भी बनेगा ना तो दो चीजों से बनेगा, पिछले दो वीडियो भी हम इस चीज के लिए बनाए हैं कि आपको इसका बेसिक ज्ञान हो जाए। जब संकुल का निर्माण हो रहा है तो केंद्रीय धातु दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, संकुल निर्माण के समय केंद्रीय धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें इसका हम फॉर्मूला भी बताएंगे और बहुत सारे इसके एग्जांपल हम कर रहे हैं। केंद्रीय धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब हम आपको लिए चलते हैं इसके फॉर्मूले पर। इसका फॉर्मूला एक बार आपने तैयार कर लिया फिर आपको कभी परेशानी आने वाली नहीं है, जल्दी से इसको देख लीजिए फिर हम समझा देते हैं। x क्या मानना है दोस्तों, x मानना है आपको केंद्र धातु की ऑक्सीकरण संख्या जिसका मान आएगा, उसके बाद हम चलते हैं उपसहसंयोजी। तो यहां पे दो बातें स्पष्ट दिख रही है, हमने इसको रेड पेन से लिख दिया है, एक मंडल में आवेश, एक मंडल परावेश, चार्ज इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इक्वल टू चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। हम जैसा कि बहुत सारे यहां पे एग्जांपल देने वाले हैं, आप एक कोबाल्ट का संकुल ले रहे हैं यहां पे अपन, सपोज ये हमारा कोबाल्ट का संकुल है और इसकी हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे अपन? सबसे पहले गाइस मानेंगे, माना कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या x है, यहां x रख दिए। अब यहां आवश्यकता है इक्वा का कितना चार्ज है, अमोनिया का कितना चार्ज है और इस मंडल पर कितना चार्ज है, तो हम आपको बता दें लिस्ट में मैंने बताया है 0 × 4 अमोनिया का चार्ज कितना है, एमीन का 0 × 2 इक्वल, जो मंडल का चार्ज होता है चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ये राइट या लेफ्ट से आता है, इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो बनाया है, चाहे तो लिंक जाके देख लीजिए आप उसको। क्लोराइड तीन अलग होंगे तो इस पे कितना प्लस आएगा, 3+, मतलब चार्ज अभी भी है क्योंकि क्लोराइड जुड़े हैं 3 माइनस के, तो यहां पर मंडल पर चार्ज होगा +3, यहां सबको 0 हो गया, एक्स इक्वल +3 आ गया। इस प्रकार के एग्जांपल हमारे पास हैं बहुत सारे, चाहे वो निगेटिव चार्ज वाले हों चाहे वो पॉजिटिव चार्ज वाले हों। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, हमें साइनो का आवेश चाहिए, साइनो का आवेश है -1,
एक्स प्लस माइनस वन रख दिए साइनों का चार्ज, कितनी संख्या है, इसकी संख्या है 6। माइनस 3 यहां लगा देंगे, x माइनस सिक्स इज इक्वल माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल सिक्स माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल प्लस थ्री। ये देखिए क्वाड्री ऑक्सीडेशन नंबर, इतनी आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाती किसी भी प्रकार की। ये देखिए यहां पर केटाइन है, मतलब मंडल पर क्या आएगा माइनस, जो भी आए अपन को कैलकुलेशन करना है। निकिल की आपसीकरण संख्या कितनी है एक्स, साइनों पे कितना चार्ज है माइनस वन, कितना का मल्टीप्लाई करेंगे फोर का, इक्वल चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना है माइनस टू। क्यों है माइनस टू, क्योंकि केटाइन एरिया में केटाइन मौजूद है। यहां प्लस थ्री क्यों था, एनाइन, राइट में एनाइन होगा तो ब्रैकेट पर प्लस आएगा, लेफ्ट में केटाइन होगा ब्रैकेट पर माइनस आएगा। यहां पे सॉल्व कर लीजिए, एक्स माइनस फोर इज इक्वल माइनस टू, एक्स इज इक्वल फोर माइनस टू, एक्स इज इक्वल प्लस टू। बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के तरीके हमें आना चाहिए और सभी तरीके हम आपको यहां पे सिखाएंगे एक एक करके। एक और ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं अपन, बड़ा कॉम्प्लेक्स हमारा है, यह है EDTA, एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर X, अब इसका चार्ज कितना है दोस्तों माइनस फोर, वीडियो के बीच बताया हमने चार्ज माइनस फोर है मगर दंतुकता छह है इसकी, तो एक ही है, एक का इंटू करेंगे इस पे कितना आएगा माइनस टू, कितना हो गया X माइनस फोर इज इक्वल माइनस टू, तो X इज इक्वल फोर माइनस टू, मतलब प्लस टू आ गया जी ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम आपको लिए चलते हैं दूसरी नंबर निकालते हैं, उपसहसंयोजी संख्या। दूसरी हमारी जो संख्या है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर रहना है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको यहां पे निकालना है, एरिया कोऑर्डिनेशन एरिया है, इससे बाहर नहीं निकलना है, बाहर बिल्कुल। और है क्या एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं, संकुल में जो कॉम्प्लेक्स है आपका, सेंट्रल मेटल और लीगेंड के बीच कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, उन बॉन्ड की संख्या, एरो की संख्या को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए, केंद्रीय धातु और संलग्नी के बीच बने हुए उपसहसंयोजी बॉन्ड की। अब ये बॉन्ड निकलते कैसे हैं, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आपको हम दे रहे हैं, बड़ा मैजिक फॉर्मूला है, इसको देख के तुरंत आपको बनने लगेगा, ध्यान से देखिएगा प्लीज। इसका फॉर्मूला इस प्रकार से रहता है, सबसे पहले चाहिए संलग्नी की दंतुकता, संलग्नी की जो डेंटिसिटी है उसमें आप उसकी संख्या का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि एक संलग्नी है, पहला संलग्नी फर्स्ट है, दो संलग्नी है तो फिर वही करना है, सेकंड संलग्नी की दंतुकता गुणित उसकी संख्या। देखिए आपको बाहर नहीं जाना है, कोई इक्वल का साइन नहीं आने ही आएगा, पहले संलग्नी की दंतुकता उसकी संख्या, दूसरे संलग्नी की दंतुकता उसकी संख्या। तो यहां पर हम आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बताने वाले हैं और उनकी हम दंतुकता निकालने वाले हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, अब आपको क्या जानना जरूरी यहां पे गाइस, एमीन की कितनी है डेंटिसिटी, तो एमीन की दंतुकता मैंने आपको बताया एक होती। देखो दंतुकता जो रहती डेंटिसिटी वो न्यूट्रल रहती है, उसमें प्लस माइनस नहीं लगा सकते, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में प्लस माइनस लगेगा, इतना ध्यान आपको रखना है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, साइनों की डेंटिसिटी कितनी है, इसकी भी दंतुकता कितनी है, ये लिस्ट में बता चुके हैं हम आपको, तो यहां पर वो चीज नहीं करेंगे, जल्दी से आ जाइए। एक ही संलग्नी है, कितनी दंतुकता है साइनों की, एक, संख्या कितनी है 6, कितनी आ गई 6 आ गई। हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम का, इसका निकालते हैं, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, कैटायन एरिया खाली है, एनायन एरिया खाली है, तो हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, क्लोरो की साइनों की, क्लोरो की भी दंतुकता कितनी है 1,
Cl माइनस चार्ज है, मोनोडेंटेड है। तो यहां पे कैलकुलेट करते हैं अपन, क्या करेंगे, दो है क्लोरो की वन इंटू टू, यहां से टू का मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस अमोनिया की कितनी है वन इंटू टू, इज इक्वल फोर आ गई। बिल्कुल आसान है, कोई परेशानी नहीं यहां पे आपको जाएगी किसी प्रकार की। देख लीजिए एक और कॉम्प्लेक्स आ गया यहां पे, इसकी कैसे करेंगे कैलकुलेट, वही तरीका हमारा, एथिलीन डाइएमीन, ये वाइडेंटेड संलग्नी है और इसके पास दो पेयर रहते हैं, जीरो चार्ज है, चार्ज की तो आवश्यकता नहीं, दंतुकता कितनी है टू इंटू थ्री, इसकी डेंटिसिटी टू है, दो लोन पेयर है इस पर, प्लस क्लोरीन का वन इंटू टू, मतलब कितना हो जाएगा सिक्स प्लस टू एट, देखिएगा। तो इस प्रकार कर सकते हैं, मान लो यहां टू होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, यहां टू होगा तो क्या करेंगे, टू टू या फोर प्लस वन कितनी हो जाएगी सिक्स। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर इस प्रकार से निकालते हैं गाइस, समझ में आया है। कोऑर्डिनेशन निकालने का तरीका के जो कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें डेंटिसिटी चाहिए मॉलिक्यूल की, और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चाहिए आपको, चार्ज। तो ये दोनों चीजें तैयार कर लेंगे तो आपको सब चीज बनने लगेगी, फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर सामने है। संकुल का फॉर्मेशन होगा तो सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, मतलब अपने डी ऑर्बिटल को वैकेंट बनाएगी, वो वैकेंट क्यों कर रही है, तभी तो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगी ना। तो केंद्रीय धातु द्वारा त्यागेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या, इसका कैलकुलेशन आपने सीख लिया। इसके बाद जो अपने लिगेंड हैं, जो लोन पेयर डोनेट करेंगे किसको, सेंट्रल मेटल को, लोन पेयर कहां एक्सेप्ट करेगा, अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में। तो सेंट्रल मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा लिगेंड, उनकी संख्या को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। अब ये देखिए, किसी संकुल यौगिक में, किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्लस संलग्नी द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता, प्रभावी परमाणु संख्या। इसका हमारे पास फॉर्मूला है, इसको समझ लीजिए। आपको केंद्रीय धातु के पास पहले से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो संलग्नी द्वारा दिए जाते हैं उनका प्लस, इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं जिससे आप तैयार कर लेंगे। फॉर्मूला कैसा है देखिएगा ध्यान से, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, Z एटॉमिक नंबर है दोस्तों सेंट्रल मेटल का, OX प्लस 2 इंटू CN, CN क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी अभी आपने पढ़ा है उसको, OX क्या है ऑक्सीडेशन नंबर। Z के बारे में बता देते हैं, Z क्या है केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक, सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है, इसमें दिया भी रहता कई बार तो आप समझ लीजिए कैलकुलेशन करते कैसे है। कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स है इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, ये देखिए कॉमन कॉम्प्लेक्स है पोटेशियम फेरोसाइनेट, इसको हम करेंगे कैलकुलेट, इसमें हमें दो संख्या पहले से निकालनी पड़ेगी, इसमें ऑक्सीकरण संख्या x प्लस माइनस वन इंटू सिक्स इक्वल माइनस फोर, तो x इक्वल सिक्स माइनस फोर मतलब कितनी आ गई दो, ऑक्सीकरण संख्या इसकी टू पहले से आ गई है। फिर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखना पड़ेगा कितना है इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें सिक्स है। अब हमारा काम क्या बचा, जेड, आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आयरन का जेड कितना होता है 26, तो यहां पर हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपके सामने अभी आ जाता, देखिएगा 26 माइनस चार सॉरी दो, ये दो है ऑक्सीजन, प्लस टू इंटू सी एन, सी एन कितना है सिक्स, 26 हो जाएगा 24 प्लस 12 कितना आ गया 36, देखो ये है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस कॉम्प्लेक्स का। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का हमें यदि ये निकालना है तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कोई उसमें हम परेशान नहीं। इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का निकालते हैं, पहले ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए पड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर आप पिछले फॉर्मूले से निकालेंगे तो प्लस 3 आएगा, अंदर न्यूट्रल लिगेंड एथिलीन डाइएमीन, इसका CN निकालेंगे तो कितना आएगा 2 या 4 आएगा, दंतुकता 2 है संख्या 2 है। अब हम सीधे आपको लिए चलते हैं EAN पर, तो इसका परमाणु क्रमांक चाहिए कोवाल्ट का है 27, माइनस 3 करेंगे
प्लस 2 × 4 करेंगे। क्लियर समझ में आ रहा है गाइस? 27 में से 3 घटाएंगे तो ये बचेगा 24 और यहां कितना हो जाएगा 8, कितना आ गया 32, ये हमारा आ जाएगा। और ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है उसका कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाएगा, बड़े सरल तरीके से हम कर सकते हैं उसका कैलकुलेशन। इसमें हम प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स दिया है आपके सामने, यहां पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर हम जानते हैं प्लस 2 है, अंदर -1 है, 0 है, इधर 0 चार्ज है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर्मूले से आप निकाल सकते 2 और 2 4। तो अब हम निकालेंगे इसका ईएन। ईएन के लिए हमें इसका परमाणु क्रमांक है, इसका 78 है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, घटा देंगे प्लस साइनों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना 4 है, ये हो जाएगा 76 और 8 कितना 84 हो गया। हम देखेंगे जो इसका अक्रिय गैस हमारा 18 वर्ग होता है उसके पास जाएगा, 86 के पास गया जो 36 है, इसलिए प्रभावी परमाणु क्रमांक को हम अक्रिय गैस नियम भी कहते हैं। इसको सिजविक ने दिया है, प्रभावी परमाणु क्रमांक हमारे साइंटिस्ट है सिजविक, उन्होंने इसको दिया हुआ है, उसी के आधार पर हम इसको फाइंड करा रहे हैं आपके सामने। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक बिल्कुल आसान है, उसका कैलकुलेशन भी बहुत सरल रहता है। कोई निकिल का कॉम्प्लेक्स आपके सामने, ये है निकिल का कॉम्प्लेक्स, इसका हम निकालते हैं ईएन। तो हमें निकिल का एटॉमिक नंबर चाहिए पड़ेगा दोस्तों जेड 28, हमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए पड़ेगी, कितनी है यहां पर 2 है प्लस की, और यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए कितना है 4। अब बिल्कुल आसान है, 28 माइनस क्या कर देंगे यहां ऑक्सीडेशन नंबर मतलब 2 प्लस 2 × 4, तो यहां 26 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, 26 में 8 प्लस करेंगे 34 हो जाएगा, किसके पास आ गया, ये आ गया क्रिप्टॉन के पास, क्रिप्टॉन का 36 रहता है। तो दोस्तों ये अक्रिय गैस के पास जाता है हमेशा, कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसका अक्रिय गैस के पास आता है, इसलिए इसको अक्रिय गैस के नियम से भी जानते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स आप फाइंड कर सकते हैं, कोई भी संकुल बना सकते हैं, इसका फाइंड करना है तो इसका हमें जेड चाहिए पड़ेगा। जिंक का जेड कितना है 30, जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है यहां पर 2 प्लस, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। अब हम इसको फटाफट निकालते हैं प्रभावी परमाणु संख्या, 30 जेड है, 2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस कर देंगे प्लस 2 × CN, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, ये हो जाएगा 28 प्लस 12 कितना हो जाएगा 40। देखिए 36 से आगे भी बढ़ जाता है, क्रिप्टॉन से आगे भी चला जाता है। तो दोस्तों जब तक आपको लिगेंड का चार्ज पता नहीं तब तक ऑक्सीडेशन नंबर मुश्किल लगेगा, जब तक दंतुकता पता नहीं तब तक कोऑर्डिनेशन नंबर मुश्किल लगेगा। इस दोनों को तैयार कर लीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए, शुरू से मैंने लिगेंड की पूरी जानकारी दी है और दोनों संख्याएं आती हैं तो आप प्रभावी परमाणु संख्या सीख सकते हैं। तो हमें आशा है कि बिल्कुल वीडियो पूरा समझ में आएगा और अच्छे से आप देख के इसको लाइक कीजिए। यदि राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लास पविता का आप नए हैं, नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे आपको नए नए वीडियो तुरंत मिलते जाएं, एग्जाम तक पूरी चीज काम आएगी लॉकडाउन के समय में। आपने वीडियो देखा, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।